देखिए, तो आप लोगों का जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी एनिमल टेस्ट सिस्टम्स इन बायोएसिस, हम लोग परीक्षण के लिए, बायो परीक्षण के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, पॉल्यूशन के, अगर हम एनिमल्स को यूज़ कर रहे हैं, एनिमल टेस्ट बायोएसिस यूज़ कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कौन से एनिमल्स यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार से, कौन से एनिमल को यूज़ करके हम क्या पता लगा सकते हैं, क्या मॉनिटरिंग कर सकते हैं, ये आज मैं बताऊंगी आप लोग को। तो यूजुअली जो एनिमल्स यूज़ करते हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा फिशेस को यूज़ किया जाता है, कुछ प्रोटोजोआ को, कुछ हेलमेंथिस को यूज़ किया जाता है। आप लोगों ने जब जूलॉजी पढ़ा होगा, तो जूलॉजी में आप लोगों के वर्गीकरण आप लोग पढ़ते हैं कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा का, जिसमें आप लोगों को वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, मतलब कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा के बारे में ही बताया जाता है, जिसमें अलग अलग कैटेगरीज होते हैं, अलग अलग समूह होते हैं आप लोगों के एनिमल्स के, ठीक है। उसी प्रकार उस समूह वाइज जो है इनमें बताया गया है, जिसमें सबसे पहले जो है फिशेस की कैटेगरी में बताया गया है, अगर फिशेस बायो एसिड ये हम यूज करते हैं। तो फिशेस बायो एसिड में क्या होता है उसे देखते हैं। तो टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ एनवायरमेंट पॉल्यूटेंट्स ऑन फिशेस हैव बीन यूज्ड फॉर क्वाइट सम टाइम एज अ मेजर ऑफ बायो एसिड। जब कभी भी कोई जहरीला पदार्थ या फिर पॉल्यूशन का लेवल पानी में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है या फिर हवा में बहुत अधिक मात्रा में बढ़ता है, तो उसका जो असर है हम लोग अच्छे से किस पर देख सकते हैं, अपने एनिमल फिशेस पे देख सकते हैं। पॉल्यूशन का बहुत ज़्यादा असर जो है मछलियों में दिखाई देता है। पॉल्यूशन का बहुत अच्छा खासा असर जो है मछलियों पे दिखाई देता है, इस वजह से ही मछलियों को आज की डेट पे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है बायोएसिस के रूप में। अब अगर बात करें इसकी, तो जैसे कि एक कॉन्सेप्ट है LD50, ठीक है, जो कि दैट इज द डोज ऑफ द पॉल्यूटेंट एट विच 50% ऑफ द टेस्ट ऑर्गेनिजम्स आर अफेक्टेड। ये LD50 करके जो एक नाम है, जो एक पॉल्यूटेंट का है, इसको हमने यूज़ करके देखा कुछ ऑर्गेनिजम्स से मछलियों की प्रजातियों पे, जिसमें क्या हुआ कि 50% जो मछलियां थी वो अफेक्टेड थी, इससे उन पे असर हुआ, इसका उन पे असर दिखा इसका। ये जो LD50 का कॉन्सेप्ट था उसे ओरिजिनेट किया था फिशेस पे स्टडी करके, फिश के ऊपर कितना असर होता है अगर पॉल्यूशन का लेवल इतना हो जाने पे। पॉल्यूशंस के अलग अलग लेवल होते हैं, तो एक पॉल्यूटेंट है LD50 जिनके असर को देखने के लिए मछलियों को यूज किया गया था, तो जो 50% मछलियां थी उनपे उनका इसका असर दिखा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो ये है, क्या बोलते हैं आप लोगों का, जो फिशेस हैं उनपे कितना असर हो रहे हैं और कितना ज्यादा ये असर डाल सकती है, क्या नुकसान पहुंचा सकती है, हमने ये देखा इससे। द क्राइटेरिया और पैरामीटर यूज्ड फॉर असेसमेंट ऑफ फर्स्ट फिश बायोसिस इंक्लूड चेंज इन द मार्फोलॉजी एंड ऑर्गन्स, बिहेवियरल पैटर्न्स एंड मॉडिफिकेशन इन मेटाबॉलिज्म। अब मछलियों पे असर तो हुआ, मछलियाँ अफेक्ट हुई, 50% मछलियाँ जो अफेक्ट हुई, लेकिन कौन सा चेंजेस हुआ उनमें, क्या क्राइटेरिया थे हमारे पैरामीटर्स के, कुछ तो दिखा होगा मछलियों में जो चेंज होगा, तो वो मछलियों में क्या दिखा हमको ये जानना है। तो मछलियों के जो चेंजेस थे, मछलियों में जो क्राइटेरिया से दिखाए गए थे पैरामीटर्स के, कौन से पैरामीटर्स के आधार पर, कौन से पैरामीटर्स के आधार पे उन्हें चेक किया गया मछलियों में क्या चेंजेस हो रहे थे। तो वो जो पैरामीटर्स थे वो थे, एक तो मार्फोलॉजी में चेंज होना, मार्फोलॉजी चेंज, और दूसरा जो था वो था उनके ऑर्गन्स में चेंज होना, उनके ऑर्गन में कुछ अफेक्ट दिखने लगा उनके अंगों में। तीसरा जो दिखा वो दिखा बिहेवियरल पैटर्न, हो सकता है कि मछली बहुत ज़्यादा आक्रामक हो जाए, या फिर हो सकता है कि जो मछली है वो बहुत ज़्यादा लेजी फील करे, अच्छे से खाना ना खाएं, तो बिहेवियरल चेंजेस देखे हैं उसमें। ये कुछ कुछ पैरामीटर्स थे जो हम लोगों ने ध्यान में रखा, जिस आधार पर हमने चेक किया कि क्या चेंजेस हो रहे थे फिश में, क्या चेंजेस हुई उस मछलियों में। एक बिहेवियरल चेंजेस हो गया, बिहेवियरल पैटर्न, और एक था चौथा, मॉडिफिकेशन इन मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म जो रेट था उनका, जो उपापचय की क्रिया जो थी उन लोगों की, खाना पचाने की, एनर्जी ग्रहण करने की, ये इनमें भी क्या कोई चेंजेस हुए थे, क्या वो ठीक से खाना खा रहे थे,
अगर खा रहे थे तो क्या वो कम खा रहे थे, या उनमें कोई पाचन जो है वो नहीं हो पा रहा था। मॉडिफिकेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म इसी के अंतर्गत देखता था। ये कुछ पैरामीटर्स थे जिसके अंतर्गत हम लोग ये देख रहे थे कि क्या चेंजेस हुए हमारे फिशेस में। ठीक है, तो फिशेस बायोएसिस में इन सब चीजों को ध्यान रखा गया। द ऑल्टरेशन इन द एंजाइम एसिटोकोलिन एस्ट्रेस सर्व्स एज अ रिलायबल मार्कर फॉर पेस्टिसाइड पॉल्यूशन। यहाँ एक बात बताई गई है कि एक जो एंजाइम है हमारा एसिटिल कोलाइन एस्टरेज, एसिटिल कोलिन एस्टरेज, ये हमारा एक एंजाइम था, एक एंजाइम है। ठीक है, एसिटिल कोलिन एस्टरेज, ये जो एंजाइम है इसे ये रिलायबल मार्कर माना जाता था जो कि पेस्टिसाइड्स का सॉल्यूशन था। मतलब कई बार हम लोग क्या करते हैं, खरपतवार नाशी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अगर आपने मिट्टी में डाला है उसको खरपतवार नाशी को, या फिर आपने कुछ ऐसा केमिकल वाले जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड होते हैं अगर आपने उसे डाला है, तो मिट्टी में डालने के बाद जो है बारिश होती है तो मिट्टी के साथ साथ तो पानी में भी मिलता है, पानी से बहता हुआ वो पूरा पानी के सोर्स में जाता है। ठीक है, तो आपका ये क्या करता था, पेस्टिसाइड क्या करते थे कि बहुत गलत असर डालते थे मछलियों पर जो कि सही नहीं था। तो उसके सॉल्यूशन के लिए, पेस्टिसाइड के सॉल्यूशन के लिए एसिटिल कोलाइन नाम की जो एंजाइम था ये एक सॉल्यूशन के रूप में आया सामने जिसे यूज किया जाने लगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फिशेस इन बायोएसिस कतला टेलियोस्ट लेबियो एंड छाना। अब ये देखते हैं कि हमारी जो मछलियां हैं वो कौन सी फिशेस थी, कौन सी मछलियां थी, प्रजातियां मछलियों की जिन्हें हम बायोएसिस के रूप में यूज करते थे। बायोएसिस के यूज रूप में यूज करना अर्थात कि आपका कौन सा ऐसा मछली था, कौन से प्रजाति की मछली थी जिसे हम यूज कर सकते हैं हमारे बायो मॉनिटरिंग के लिए, पॉल्यूशन की बायो मॉनिटरिंग के लिए। तो एक जो सबसे कॉमन आप लोगों ने नाम सुना होगा वो है कतला, कतला के बाद एक छाना, ये अलग अलग प्रजाति की मछलियां हैं। दूसरा है लेबियो, नेक्स्ट फिर है आपका टेलियोस्ट, ये कुछ आपके मछलियों की प्रजातियां थी जो कि क्या है आप लोगों का जो बायो मॉनिटरिंग के लिए, बायो मॉनिटरिंग या बायो एसेस के लिए इन मछलियों को यूज किया जाता था। तो ये आपका हुआ फिश बायो एसेस। अगर हम मछलियों को यूज करते हैं बायो एसेस के रूप में तो हम कौन सी मछली यूज करेंगे, क्या क्या पैरामीटर्स देखेंगे, ये मैंने बताया आप लोगों को। अब हम नेक्स्ट एनिमल देखते हैं। सेकेंड नंबर पे है आपका प्रोटोजोआ इन बायोएसे। अगर हम लोग बायोएसेस के लिए प्रोटोजोआ को यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, प्रोटोजोआ किस प्रकार से यूज करेंगे, प्रोटोजोआ कौन से प्रकार के होंगे उसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ में आपका क्या है, द सिलिएटेड प्रोटोजोअन। सिलिएटेड प्रोटोजोअन मतलब वो प्रोटोजोआ जिनमें सीलिया पाया जाता है। ठीक है, वो प्रोटोजोआ जिसमें सीलिया पाया जाता है ऐसे प्रोटोजोअन्स जो हैं उन्हें यूज किया जाने का यहाँ पर बोला। जैसे सिलिएटेड प्रोटोजोआ सर्व एज गुड बायोएसिस सिस्टम फॉर द डिटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। जो सीलिया वाले जो प्रोटोजोआ होते हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं बोलते हैं अगर आप उन्हें बायोएसिस के रूप में यूज करें। ठीक है, अगर हम इन्हें बायोएसिस के रूप में यूज करते हैं सिलिएटेड प्रोटोजोआन को जिनमें सीलिया पाया जाता है। सीलिया और फ्लैजिला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। सीलिया जो पूरे बॉडी में फैले रहते हैं रोए, और फ्लैजिला जो सिर्फ एक निकला रहता है पूंछ के जैसे संरचना, वो होता है फ्लैजिला। ठीक है, तो सीलिएटेड प्रोटोजोअन जो है आपका ये जो है सबसे ज्यादा प्रिफर किए जाने लगे। किसके लिए सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं, किस चीज के लिए, अगर आपका प्रोटोजोआ को यूज कर रहे हो आप बायो एसेस के रूप में। ठीक है, सीलिए ये जो है इसलिए ज्यादा अच्छे रहते हैं क्योंकि ये इन पे बहुत जल्दी असर दिखता है पॉल्यूशन का, और ये पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में सक्षमता रखते हैं। द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ द पॉल्यूटेंट कैन बी मेजर्ड बाय द चेंज इन द बिहेवियरल पैटर्न ऑफ प्रोटोजोआ रिकॉर्डेड ऑन एन एथोग्राम। अब
यहाँ पर एक चीज बताई गई है कि आप प्रोटोजोआ में देखेंगे क्या, कुछ कुछ देखेंगे जो पोल्यूशन का असर, वो पोल्यूशन का कैसा असर होगा, इस चीज को समझना है। तो पोल्यूशन का ये ऐसा कुछ असर होगा कि इसमें जो है बिहेवियरल चेंजेस होंगे, बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस होंगे। हो सकता है इसका बिहेवियरल पैटर्न में ऐसे चेंज हो कि जिस प्रकार से ये गति करता था वैसा गति ना करे, गति में कमी आ जाए, इनके बिहेवियर में चेंजेस दिखने लगे, इनमें खाना खाने की प्रकृति में चेंज। तो बिहेवियर चेंज होने से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो बिहेवियरल पैटर्न इनमें जो है चेंज दिखता है अगर हम लोग इस पे टॉक्सिक इफेक्ट, मतलब कोई ऐसा पॉल्यूटेंट जो बहुत ज्यादा जहरीला है वो वो अगर उपस्थित है वहां पर जहाँ पॉल्यूशन वाले एरिया में प्रोटोजोआ है, जहाँ पर जहरीले आपके पॉल्यूटेंट उपस्थित है, तो उसकी वजह से इनके में बिहेवियरल पैटर्न में चेंजेस होने लगता है प्रोटोजोआ के, जो कि हम एक एथोग्राम में रिकॉर्ड कर सकते हैं। एथोग्राम क्या होता है मैं लास्ट में क्लास के आप लोगों को बताऊंगी। तो ये आपका प्रोटोजोआ का हुआ। प्रोटोजोआ में हम क्या देखते हैं, सीलिएटेड प्रोटोजोआ को यूज कर सकते हैं बायोएसिस के रूप में, और इनमें बायोवेरल पैटर्न में चेंजेस जो है हम लोगों को दिखाई देता है अगर पॉल्यूशन का असर हमको देखना है। तो ये एक चीज हुई। उसके बाद थर्ड नंबर पे हम देखते हैं, अगर हम थर्ड नंबर में देखें तो थर्ड नंबर में आपका क्या बताया गया है, हेलमेंथिस इन बायोएसेस। अब हेलमेंथिस की कैटेगरी का देखते हैं। हेलमेंथिस इन बायोएसेस, हेलमेंथिस भी आप लोगों ने समूहों में पढ़ा होगा आपके कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटास के अंतर्गत, हेलमेंथिस भी यूज कर सकते हैं प्लांट बाय एनिमल बायोसिस के रूप में। रोटिफर्स आर ए ग्रुप ऑफ हेलमेंथिस, रोटिफर्स यूज करते हैं, ठीक है। अब ये रोटिफर्स क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ। ये देखिए, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को डायग्राम, स्क्रीन पे सब कुछ आप डायग्राम दिखाई दे रहा है अच्छे से स्टूडेंट्स, डायग्राम दिखाई यस दे रहा है मैम, आपको। यस मैम दिखाई दे रहा। हेलो, हाँ डायग्राम में देखिए अगर आप, यस मैम तो ये दिखाई दे रहा है। रोटीफेरा, हाँ रोटीफेरा बोलते हैं इसे, ये फिर हेलमेंथिस के कैटेगरी में जो है ये आता है। और ये जो है एक क्रीमी के जैसे, एक फीता क्रीमी, फीता क्रीमी तो खैर डिफरेंट है, रोटीफेरा जो है दूसरे की बॉडी में जो है अलग अलग शेप्स में दूसरे की बॉडी में जाकर जो है इन्फेक्शन कॉज करते हैं, हेलमेंथिस के कैटेगरी में आते हैं ये। अब ये जो रोटीफेरा है, रोटीफेरा जिसे हिंदी में बोलते हैं, इन इंग्लिश इट्स रोटीफर्स, ठीक है, ये फिर रोटीफेरा भी बोल सकते हैं नॉर्मली। या ये जो रोटीफेरा है इसका इसका यूज कर सकते हैं हम लोग किसमें, आपके हेलमेंथिस की कैटेगरी में रोटीफर्स को हम यूज करते हैं। ये हेलमेंथिस के ग्रुप के पाए होते हैं और ये जो होते हैं एक्वेटिक वेजिटेशन में पाए जाते हैं, मतलब ये एक्वेटिक वेजिटेशन अर्थात ये पानी में पाए जाएंगे, एक्वेटिक वेजिटेशन ये पानी में पाए जाते हैं, वहीं ग्रो करते हैं अच्छे से। और इन्हें जो है हम लोग इसलिए यूज कर सकते हैं, अगर आपके पानी में ऑर्गेनिक मैटर, किसी प्रकार का केमिकल या किसी प्रकार का पॉल्यूशन है, तो उसे डिटेक्ट करने के लिए पॉल्यूशन जो पानी का है, पॉल्यूशन ऑफ वाटर, ठीक है, उसे डिटेक्ट करने के लिए हम इस रोटीफर का यूज कर सकते हैं। और रही बात अगर दूसरे चीज की, तो यहाँ पर एक और चीज बताई गई है कि बीओडी आप लोग टेस्ट करते हैं। बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि आपके पॉल्यूशन की वजह से बहुत सारे पॉल्यूशन और बाकी एनिमल्स के वेस्ट की वजह से जो है आपका ऑक्सीजन की कमी होने लगती है पानी में, तो उसके लिए हम टेस्ट करते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी का टेस्ट, जिसमें हम लोग जो है यहाँ पर बीओडी के जैसे, बीओडी में जिस प्रकार से ये बताता है कि कितना पॉल्यूशन का लेवल है, उसी प्रकार जो है बीओडी के दिए गए रिजल्ट को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर वाटर को,
हेलमेंथिस के रोटीफर्स के द्वारा। तो अल्टीमेटली रोटीफर का मतलब यहाँ पर ये बताया है 100 बातों की एक बात, कि रोटीफर जो है हेलमेंथिस के अंतर्गत पाए जाने वाले आपके जंतु हैं, और ये जो है ये इस प्रकार के जंतु हैं जो पानी में पाए जाते हैं, पानी में ही ग्रो करेंगे और साथ ही साथ जो है पानी के पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। पानी का पॉल्यूशन, अगर ऑर्गेनिक पॉल्यूशन किसी प्रकार का केमिकल से बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, तो फिर ये क्या करते हैं उसे डिटेक्ट करके बताने का कार्य करते हैं। रोटीपर्स विथ राउंड द ईयर अवेलेबिलिटी। और दूसरी चीज, इसे यूज करने का सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि ये साल भर अवेलेबल रहते हैं, ऐसा नहीं है कि इस टाइम ये नहीं अवेलेबल रहते हैं या फिर इनकी संख्या कम रहती है। और साथ ही साथ इनका इजिली कल्टिवेशन किया जा सकता है, इनका ग्रोथ रेट बहुत स्लो होता है और इनको इजिली जो है रिकॉग्नाइज किया जा सकता है पानी में। पानी में आसानी से इसे रिकॉग्नाइज किया जा सकता है बायो मॉनिटरिंग के समय, इसलिए इसे रोटीफर्स को यूज किया जाता है हेलमेंथिस के कैटेगरी में जो आते हैं बायोएसिस के रूप में। तो ये एक चीज हुई जो हेलमेंथिस को यूज किया, थर्ड नंबर का था ये। अब फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ नंबर है आपका पॉल्यूशन इंड्यूस्ड पेप्टाइड्स इन बायोएसे। ये क्या क्या बोल रहा है इसमें देखते हैं। पॉल्यूशन इंड्यूस्ड पेप्टाइड्स इन बायोएसे, तो एज ऑलरेडी यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने प्लांट का देखा, प्लांट में एल्गी, मॉस, लाइकन्स, बैक्टीरियल कल्चर, बैक्टीरियल सेल्स, इस प्रकार के प्लांट्स के यूज हुए। एनिमल्स में हमने देखा कि हेलमेंथिस यूज हुआ, प्रोटोजोआ यूज हुआ, फिशेस यूज हुए, ठीक है। तो पॉल्यूशन इंड्यूस्ड स्मॉल पेप्टाइड्स आर फाउंड इन एनिमल सेल्स ऑल्सो। पॉल्यूशन को इंड्यूस करने वाले जो सेल्स होते हैं, पॉल्यूशन को इंड्यूस करने वाले जो छोटे छोटे पेप्टाइड्स होते हैं, स्मॉल पेप्टाइड्स जो होते हैं, वो एनिमल सेल्स में भी पाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग मेटालोथायोनिन्स बोलते हैं। मेटालो मेटालोथायोनिन, मेटालोथायोनिन्स, ये क्या करता है। मेटालोथायोनिन्स जो एक प्रकार का पेप्टाइड है, पहले तो ये जान लीजिए कि एक प्रकार का पेप्टाइड है जो एनिमल सेल में भी पाया जाता है। एनिमल सेल में, प्लांट सेल में तो पाया जाता ही है, एनिमल सेल में पाया जाता है। तो ये करते क्या है ये जानना जरूरी है। जिन एनिमल सेल्स में ये मेटालोथायोनिन वाला पेप्टाइड्स पाए जाते हैं, वो एनिमल जो है क्या कर सकते हैं, मेटल पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। जो धातु रूपी जो पॉल्यूशन होता है, मेटल पॉल्यूशन जो होता है, उसे डिटेक्ट करने में ये हेल्प करते हैं आपके मेटालोथायोनिन्स, मतलब पॉल्यूशन इंड्यूस्ड पेप्टाइड्स इन बायोएसे। हम ऐसे पेप्टाइड्स को यूज कर रहे हैं जो पॉल्यूशन इंड्यूस्ड पेप्टाइड्स हैं बायोएसेस के रूप में, जिनमें एनिमल सेल्स, वो एनिमल सेल्स या फिर वो जंतुओं का यूज हो रहा है जिनमें आपके मेटालोथायोनिन्स पाए जा रहे हैं। क्योंकि जिनमें मेटालोथायोनिन्स वाले पेप्टाइड्स पाए जाएंगे, वो आपके धातु पॉल्यूशन मतलब मेटल पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इसलिए जो है इसका भी यूज किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर खत्म हुआ किस चीज के बारे में, आपके प्लांट्स के सॉरी एनिमल्स के बारे में। एनिमल्स में हम लोगों ने क्या क्या देखा, फिशेस बायो एसिस हमने देखा, उसके बाद हमने प्रोटोजोआइन बायो एसिस देखा, फिशेस को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या चीजों के क्राइटेरियाज है जिन्हें हम देख के समझ सकते हैं कितना असर हुआ है उनमें पॉल्यूशन का। फिर हमने प्रोटोजोआ का देखा कि अगर हम प्रोटोजोआ यूज कर रहे हैं तो कौन सा प्रोटोजोआ यूज कर सकते हैं, उसमें क्या चेंज देखकर हम लोग पॉल्यूशन को मॉनिटर कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड नंबर पे हमने जो है देखा, थर्ड नंबर पे हमने देखा हेलमेंथिस इन बायो से, जिसमें हेलमेंथिस के अंतर्गत आने वाले रोटीफर का यूज किया गया, क्योंकि ये पानी के पॉल्यूशन को डिटेक्ट करने में सक्षमता रखते हैं और ये पानी में ही रहते हैं, और साथ ही साथ जैसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की चेकिंग होती है, उस प्रकार ये भी हमें डिटेक्ट करके देते हैं पॉल्यूशन का लेवल को। और उसके बाद चौथे नंबर पे हमने पॉल्यूशन इंड्यूस्ड पेप्टाइड्स इन बायो से देखा, क्योंकि कुछ एनिमल सेल्स में आपके मेटालोथायोनिन्स पाए जाते हैं जो पेप्टाइड्स होते हैं एक प्रकार के, और इनमें ये सक्षमता पाई जाती है कि ये धातु के पॉल्यूशन को डिटेक्ट कर सके। अगर हम पर्टिकुलरली कुछ ऐसा बोलें कि यहाँ पर मेटल पॉल्यूशन कितना है बताइए,
तो हम उस प्लांट एनिमल को यूज कर सकते हैं जिनमें मेटालोथाइन पाया जाता है, जो कि आपके मेटल पोल्यूशन को डिटेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एनिमल टेस्ट बायो सिस्टम्स इन बायो एसिड भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का एज पर नाउ आप लोगों के सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप लोग का सिलेबस भी एक बार मैं दिखा देती हूँ, ये देखिए। हेलो, यस हाँ मैम मैम, सिलेबस के बारे में आइडिया है कुछ? मैम आइडिया है लेकिन 2-3 दिन से नहीं देख पा रहा हूँ, इधर उधर जाने के चलो चक्कर में कोई बात हॉस्पिटल। नहीं। ठीक है, देखिए जैसे कि मैंने अभी ओपन किया एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस को, तो हम लोग का फर्स्ट टॉपिक बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड इश्यूज हो गया है डन। एनवायरमेंटल पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, और टाइप्स ऑफ पोल्यूशन हमने देख लिया था बेसिक बेसिक वाले जो थे। उसके बाद मेथड्स फॉर मेजरमेंट ऑफ पोल्यूशन हमने अभी देखा कि मेजरमेंट करने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए हम लोग प्लांट यूज कर रहे हैं, एनिमल्स का यूज कर रहे हैं, कैसे हो रहा है। मेथोडोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये आप लोगों का अलग से रहेगा एक, और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच और उसके सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस क्या है, इसे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए जो है, और एक और चीज बताई गई है, मॉनिटरिंग के लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का भी यूज किया जाता है, जिसमें एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग करने के लिए बायोसेंसर्स का, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का यूज किया जाता है, जैसे कि डीएनए प्रोब्स का, इम्यूनो एसेस का, बायोल्यूमिनेसेंस का, गैस बायोसेंसर्स, बीओडी बायोसेंसर्स, और कुछ अन्य बायोसेंसर्स भी होते हैं जिन्हें यूज किया जाता है। तो आपके ये आपका जो है यहाँ पर आप लोगों का जो मेजरमेंट है बायोएसेस के द्वारा वो खत्म हो गया। अब हम लोगों को मेथोडोलॉजी ऑफ एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पे फोकस करना है और प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस देखने हैं, क्या क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस हो सकते हैं पॉल्यूशन को ओवरकम करने के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ते जा रहा है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है आप लोग का एयर पॉल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उसका कंट्रोल। आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा जितना मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। सबको क्लियर है स्टूडेंट्स? यस मैम क्लियर है। जी बाकी सब मैम भी बताइए, सब नोट डाउन किए हो यस ना मैम जितना मैंने बताया है? सब नोट डाउन करके रखिए, यस क्योंकि मैम जब भी क्लास स्टार्ट होगी यस तब मैं मैम पूछूंगी आप लोगों से, हेलो आप लोगों को याद यस रखना। मैम ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ही क्लास खत्म करते हैं हम लोग।